हाउसवाइफ होल डे क्या कर सकते हैं? खाना बनाते हैं, खाते हैं और सोते हैं, है ना? सही सोच रहे हो। ऐसा सोचना तो आप लोगों को बनता ही है, बिकॉज आप लोगों को कैसे पता होगा कि हम हमारे घर में क्या करते हैं? हम हाउसवाइफ लोग, क्योंकि देखो सिर्फ आप लोग ही नहीं, ऐसे घर में बहुत सारे हस्बैंड लोग भी होते हैं जो यही सोचते हैं कि शायद बीबियाँ सारा दिन सोते रहती है, खाते रहती है, मज़े में दिन काटती है। तो चलो आज ना आपको पूरे दिन में हम क्या क्या करते हैं थोड़ा सा कुछ शेयर कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये गलतफहमी ना रहे कि हाउसवाइफ सिर्फ घर में खाना बनाती है, खाती है और सोती है। क्योंकि सबको ऐसे ही लगता है कि दिन भर घर में काम क्या होता है, बच्चा संभालना होता है, दैट्स इट। दिन भर बैठ के मोबाइल देखते हैं, मेन चीज़ होता है दिन भर बैठ के मोबाइल देखते हैं और कुछ नहीं, ये सोच सबका ही होता है। तो देखो हम लोग जब घर पे बैठते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले सोचते हैं ना कि आज ना कुछ काम कर लूँ, मतलब ऐसा काम कर लूँ ताकि घर साफ रहे। सबसे जो मेन चीज़ होता है हम लेडीज लोग के सर पे हमेशा घूमता है कि हमारे जो घर है उसको हम हमेशा क्लीन रखा करें, जो बहुत ब्यूटीफुल रहे। तो ये सेम चीज़ ना मेरे अंदर रहता है, मैं जब फ्री रहती हूँ ना, हाँ फ़ोन देखती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि फ़ोन नहीं देखती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, बोल रही हूँ कि फ़ोन नहीं देखती, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन देखती हूँ ऑब्वियसली, जब भी टाइम मिले मैं रील्स कॉल करती हूँ, बट साथ ही साथ पूरे घर को भी हैंडल करती हूँ भाई। मतलब जैसे देखो आज जैसे क्या हुआ, सुबह जैसे सो के उठी अर्ली मॉर्निंग, मानवी का तबीयत खराब हो गया, तो मानवी को उल्टी आया, मानवी ने उल्टी किया, पूरा बेड में पूरा बेडशीट चेंज करना पड़ा, पूरा कंबल बोलो पिलो कवर बोलो सब चेंज करना पड़ा। स्टील अभी भी मेरा बेड इस तरह से पूरा मेसी हुआ है, तो पहले मैं इसको ठीक करूँगी उसके बाद बताती हूँ। ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ऑलराइट, ये ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे हम हमेशा रेडी होते हैं, जहाँ पे हमारा फुल ड्रेसअप होता है, जहाँ पे हम खुद को देखते हैं, निहारते हैं। तो ये जो ड्रेसिंग टेबल है इसको हम हमेशा सोचते हैं कि साफ सुथरा रखें, तो उसको भी ना आज मैं आप सबको दिखाऊंगी ऑर्गेनाइज करके। और क्या क्या है बताते आज का,
भी मत खाओ। फाइनली सारा घर का काम हो गया है और अभी बज रहा है 3 AM एंड अभी तक स्टिल लंच नहीं की हूँ। सारा दिन घर समेटने में दिन निकल गया है। ये मेरी बेटी का पिकलू है, मेरी बेटी की पिकलू है, तो पिकलू के साथ अभी हम बैठे हुए हैं। और देखो मतलब किसी ना किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा, घर को अच्छा रखोगे तो खुद को बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि एज यू कैन सी राइट नाउ माई कंडीशन इज लुकिंग लाइक अगली वूमेन। सो यस, लेकिन बहुत हैप्पी है क्योंकि घर अच्छा लग रहा है अब देखने में। जब हस्बैंड काम से घर आएंगे
तो उनको ना हमेशा याद रखना पड़ेगा, सारे लेडीज को दो ही चीज़ पसंद है। पहला, उसका जो घर हो वो साफ सुथरा रहे, ठीक है, क्योंकि देखो सारा दिन थकान के काम के प्रेशर से जब घर आएंगे ना तो उनको एक पीसफुल रेस्ट प्लेस चाहिए होगा। सेकेंड थिंग होगा वाइफ का, उनके लिए अच्छा बिहेवियर रहना, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मैटर करती है। तो ये चीज़ आप लोग सबको ही करते होंगे, आई नो वेरी वेल, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा फॉलो करना चाहिए सारे लेडीज़ को। या आई नो कि हम लेडीज़ लोग के भी बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहती है, लेकिन इतना तो करना पड़ता ही पड़ता है सब को ही, आई होप सो। तो थ्रू दिस वीडियो मैं आप सबके साथ ये कोशिश की हूँ शेयर करने की कि मेरे पूरे दिन में एज अ हाउस वाइफ, बींग अ हाउस वाइफ, मैं क्या क्या कर देती हूँ घर में। होप सो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस, सपोर्ट करो यार, बहुत ही धीरे धीरे मेरा फॉलोअर्स गेन हो रहा है, आई मीन सब्सक्राइबर, बट मैं नहीं हार मानने वाली हूँ। आई विल पोस्ट एवरी डे वीडियो विद द न्यू टॉपिक और कंटेंट। शॉर्ट्स तो आप देख ही रहे हो, लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा डिले हो रहा है पोस्ट करना मेरे लिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के लिए कंटेंट को, मतलब आज आप क्या पोस्ट करोगे, कल आप क्या पोस्ट करोगे, तो ये थॉट आपके अंदर पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और मैं ना चाहती हूँ कि रियल ही पोस्ट करूँ या रियल ही आप सबके साथ शेयर करूँ, कुछ बनावटी नहीं, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है ओवरऑल। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो और आपका दिन बहुत अच्छा जाए, बाय।